सर आज मुझे क्या दे रहे हो? आपके लिए बहुत क्रैब लॉलीपॉप है, सुरमई है, ओके, पॉपलेट है, ओहो, ये तंदूर वाला ग्रीन, आपको ग्रीन तंदूरी प्रॉन्स में, एक ताट तंदूर में देंगे, ओके, वो मिल है, और एक ब्लैक क्रैब है, ये फिश में है, स्पेशल प्रॉन्स थाली है, एक केकड़ा थाली है, क्रैब थाली है, ये तंदूरी प्रॉन्स है, ग्रीन प्रॉन्स तंदूरी है, ओके, तो इसमें स्मोक की जो खुशबू आ रही है ना वो इसकी जान है, ये बोमिल फ्राई है, ओके, 200 रुपए प्राइस है इसका, और ये सर क्रैब लॉलीपॉप, केकड़ा लॉलीपॉप, पॉपलेट थाली है। सर ये सुरमई तो बहुत बड़ी है, इसकी प्राइस क्या है सर? हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल कड़क एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों तक जो है रेनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अब जो है मैं उससे पूरा फ्री हो गया हूं और अब आपको रेगुलर जो है पहले जिस तरह से वीडियो मिलते थे दोबारा मिलेंगे। सी फूड के जो दीवाने रहते हैं वो हमेशा ना सुजू में रहते हैं कि उनको सी फूड कहां मिलेगा, तो मैं सी फूड के दीवानों के लिए आज का ये वीडियो लेकर के आया हूं। मैं इस वक्त जो हूं माउली रेस्टोरेंट में डेलाइट रोड के ऊपर हूं। चलिए इसी के तालुक से गुफ्तगू करते हैं। मजीद गुफ्तगू करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर आया कैसे जाता है। दोस्तों जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क जो है डिलाइट रोड है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ की बड़ी मशहूर और मारूफ एक मस्जिद है, बावला मस्जिद जिसे कहते हैं, और यहीं पे जो है मोनो ट्रेन का जो है लोअर परेल रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे देखेंगे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लोअर परेल जो वेस्टर्न रेलवे का जो स्टेशन है वो है, और बस यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो आपको करी रोड स्टेशन मिलेगा, एक्सट्रीमली वॉकेबल डिस्टेंस पे। वहीं पे ये होटल माउली रेस्टोरेंट है। ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, लेकिन स्पेशली जो है सी फूड के दीवानों के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है। अगर आपने नहीं खाया है तो यहाँ पे जरूर खाइए। ये जो है ब्रांच है, इनकी जो मेन ब्रांच है वो वडाला के अंदर है। वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर और वहाँ का एड्रेस जो है मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ। और ये अब उधर की कामयाबी इतनी हो गई सी फूड और इसकी वजह से कि अब उन्होंने यहाँ पर जो है शुरू किया है। तो चलिए अब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद किस तरीके की डाइनिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है यहाँ का एक डाइनिंग हॉल है जहाँ पे बैठ के खाने का इंतज़ाम है। होटल थोड़ी सी छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो जायकों के दीवानों के लिए, उनके खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। चलिए अब जो है मैं आपको सीधा किचन में मिलता हूँ। किचन में हम मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या बन रहा है। सर आज मुझे क्या दे रहे हो? आपके लिए बहुत क्रैब लॉलीपॉप है, सुरमई है, ओके, पॉपलेट है, ओहो, ये तंदूर वाला ग्रीन, आपको ग्रीन तंदूरी प्रॉन्स में, एक स्टार्टर तंदूर में देंगे, ओके, वो मिल है, और एक ब्लैक क्रैब है, ओके, और ये जो सुरमई पॉम्फ्रेट जो भी है सर, शालो फ्राई होता है हमारे यहाँ, डीप फ्राई नहीं किया जाता, और जो मसाले है ये होममेड हमारा खुद का बनाया हुआ मसाला है, ओके, ये चिकन मसाला है या फिर मटन मसाला में यूज होता है, स्पेशल चिकन मटन के लिए कोल्हापुरी मसाला है, ओके, और ये मालवनी मसाला है, और बाकी ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, हम लोग ये खुद जाके मतलब यहाँ पीस के लेते हैं। ये मतलब आपका सीक्रेट है, जो भी आपकी यूएसपी है, जो भी आपका जो डायरेक्ट मार्केट से नहीं लेते, रॉ मटेरियल लेके उसे बना देते। दोस्तों लंच जो है वो मेरा सर्व हो चुका है। अब है ना इसकी पूरी तफसीलात मालूम करते हैं कि ये जो सी फूड था लई है, ये क्या इसका नाम है, क्या इसका प्राइस है, और ये कितने लोगों के लिए सफिशिएंट है। सर ये जो आपने मुझे किचन के अंदर बताया है, मतलब ये कि ये मालवनी मसाले के अंदर होता है या ये कोल्हापुरी मसाले के अंदर होता है, तो हमारी ये बेसिक स्पेशलिटी यही है? हाँ, स्पेशलिटी कोल्हापुरी तांबड़ा पांडा रस्सा विद मटन भाकरी है। ओके, सीफूड है, सीफूड भी। कोल्हापुरी तो नॉर्मली तीखा रहता है ना, थोड़ा तीखा नहीं रहता है? कोल्हापुरी स्पाइसी नहीं रहता, होता है लेकिन ऐसा हाँ। नहीं कि स्पाइसी होता है। ओके ओके, टेस्ट है लगता। सर अभी ये बताएंगे ये कौन सी थाली है? ये फिश में है, स्पेशल प्रॉन्स थाली है। इसमें आपको तीन टाइप में प्रॉन्स आएंगे। ये कोलंबी राइस है, ओके, ये कोलंबी मसाला है, ओके, ये फिश करी है, ये फ्राई प्रॉन्स है, ओके, और ये जवड़ा है, ओके, जवड़ा सूखा जवड़ा, ओके, सूखा जवड़ा, भाकरी है, राइस भी आएगा। ओके, प्रॉन्स की जो थाली है इसमें तीन तरीके के झींगे है, फ्राई भी है, सूखा वो जवड़ा भी है। तो ये चख के देखते है की कैसा है। देखो दोस्तों पहला एक्सपीरियंस ये है चखने से पहले कि ये एकदम सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश तरोताज़ा। हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो के अंदर सी फूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कभी कभी उसमें स्मेल आती है, लेकिन जो तरोताज़ा यूज़ करते हैं और अच्छे से साफ का एहतमाम करते हैं उसमें आपको स्मेल ज़रा भी नहीं आएंगी। उसी तरह से ये भी है, बिगर स्मेल का है। सर इसकी कीमत कितनी है? 550 का है, 550 का, 550 का। और ये चावल की जो रोटी भी आती है, 50 ग्राम प्रॉन्स इसमें आता है। ओके, और सर ये इसमें चावल की रोटी रहती है, दो भाकरी और राइस। ओके सर, सर ये क्या है? केकड़ा थाली है, क्रैब थाली है। केकड़ा थाली, ओ हो, ब्लैक केकड़ा थाली के बाद आपको रेड। अच्छा, हाँ
और ये 650 रुपीज है इसका। 650 रुपीज। तो सर ये केकड़ा थाली के अंदर ये क्या है? कोमड़ी वड़े, ज्यादातर चिकन मटन के साथ सर्व होता है। अच्छा 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 अच्छा, क्रैब के साथ भी। ये कोमड़ी वड़े जिसको बोलते हैं सर, ये एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर मैंने और एक सी फूड रेस्टोरेंट किया था, वो लोग ज्यादा करके यूज करते हैं ना ये कोमड़ी वड़े। ये कोमड़ी वड़े आपको चिकन के साथ। ओके ओके सर, इसकी कीमत कितनी बताया आपने? 650 रुपए। सर ये क्या है? ये तंदूरी प्रॉन्स है, ग्रीन प्रॉन्स तंदूरी है। ओके, ये स्टार्टर है, तंदूर में स्टार्टर में आता है सर। ये तंदूर किया हुआ है, तंदूर के मसाले में तंदूर किया। ओहो हो, सर इसमें स्मोक की जो खुशबू आ रही है ना, वो इसकी जान है। हाँ, कोयले का। और सर ये क्या है? बोम्बिल फ्राई है। बोम्बिल फ्राई। सर इसकी कीमत नहीं बताया आपने? 399 400 रुपीज, ऑलमोस्ट 400 रुपीज। ओके, इसका जो रेट होता है एज पर कैच होता है। ओके, जैसे आता है। सर ये क्या है? ये बोम्बिल फ्राई है। ओके, 200 रुपए प्राइस है इसका। ये देखिए बोम्बिल फ्राई देख रहे हो, 200 रुपए में, मतलब एक प्लेट में 4 पीस आते हैं। ओके, और ये सर? क्रैब लॉलीपॉप, केकड़ा लॉलीपॉप। केकड़ा लॉलीपॉप। सर ये एक प्लेट में कितना आता है? 6 पीस आते हैं। 6 पीस आता है। और इसकी कीमत कितनी है? 270 रुपया। सर अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये क्या है? पापलेट थाली है। अच्छा, पापलेट थाली है। इसके अंदर क्या क्या रहता है सर? एक पापलेट फ्राई रहेगा आपको, एक शालो फ्राई फिश होता है, जावड़ा रहेगा, सोल कड़ी, फिश करी, ये बांगड़ा का एक सार होता है। अच्छा, बांगड़ा सार। ये बांगड़ा मछली का जो है इसका शेरवा रहेगा ये। आप इसके रोटी के साथ भाकरी, चपाती, वड़े ऑप्शन रहता है, मतलब जो भी चाहिए वो खा सकते हैं। कीमत क्या है आज की? 690 रुपया। और ये भी मतलब फ्लेक्सिबल है ना, मतलब ये रिक्वायरमेंट के ऊपर कम ज्यादा होता है। सर ये क्या है? सुरमई थाली है। ओके, भी सेम सुरमई का आपको शालो फ्राई पीस आता है एक बड़ा। सर ये सुरमई तो बहुत बड़ी है, इसकी ये इसकी प्राइस क्या है सर? सुरमई थाली 650 है। 650 है। तो हमेशा आप इतने ये थाली के अंदर इतनी बड़ी सुरमई देते हैं? ये देखिए गोश ही गोश है, ये देख रहे हो, ये सिंगल बोन पीस है। ओहो, क्या बात है, जबरदस्त। सर ये तो मैं ऐसा मन हो रहा है कि मैं ये और भी एक खा लूँ, मतलब इतना मस्त है ये। दोस्तों फैमिली साथ में है, मैं खाने से फारिग होकर एंडिंग बाइट में आपके साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो खाने का मेरा तजुर्बा था वो बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप मुझे यहाँ पे 5 में से अगर नंबर देने बोलेंगे तो मैं यहाँ पे 4.5 नंबर दूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा अपने तजुर्बे की कि इसके अंदर जो 2 डिश जो मुझे मिले थे, एक तो जो यहाँ की जो सुरमई थी, सुरमई थाली, और यहाँ का जो वो मुझे प्राउन्स तंदूरी जो था ना, वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैं अगर उसको अगर इन दोनों डिशों को अगर बोलेंगे ना, दूसरी तो अच्छी थी, जैसे कि मैंने ऑन एन एवरेज 4.5 बताया है, लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर 2 डिश की बात बोलो ना, तो ये 2 डिश जो है मैं इसको 5 में से 5 मार्क्स दूंगा। यहाँ के तालुक से अगर कुछ इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे आए हुए, या डेलाइट रोड की ब्रांच के तालुक से अगर कुछ इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर के ऊपर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और इन मैसेज बॉक्स के अंदर पिन भी किया है। चलिए दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे नुक्कड़ एक्सप्रेस की जो आईडी है उस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।